अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। देखें, मैंने अपने पौधों में पिछले हफ्ते, दो हफ्ते पहले मैंने प्याज का पानी, प्याज के छिलकों का पानी बना के रखा था बोतल में ना, और फिर जब वो एक हफ्ते बाद उसके छिलकों को निचोड़ के मैंने उसका पानी सिर्फ इन पौधों में दिया। अभी प्याज का पानी दिए हुए तकरीबन एक 1 वीक हो गया इनको। देखें इनकी ग्रोथ, देखें इनकी ये नए नए पत्ते, ये बाद में निकले हैं प्याज के पानी के बाद। देखें कितने खूबसूरत, साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये भी, ये सब प्याज का फर्टिलाइज़र जो मैंने दिया इनको, उससे ये नई नई इसमें पत्तों की ये ग्रोथ हुई है, ये नई ग्रोथ हुई है पत्तों की, ये सब नई नई हो रही है और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे हो रहे पत्ते ना प्याज के पानी से। फिर मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था इसका, पिछली वीडियो में इसका अंडे के छिलके, एक्शेल और चाय की सूखी हुई पत्ती जो हम चाय बना के फिर फेंक देते हैं पत्ती। मैं तो मिक्स चाय नहीं बनाती, सिर्फ पानी में पत्ती बॉईल करके बनाती हूँ। दूध अलग डालती हूँ, चीनी अलग डालती हूँ, तो मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मिक्स चाय बनाते हैं तो फिर धो लिया करें पत्तियों को, फिर सुखा लें। लेकिन इस तरह बराबर की मिकदार में मैंने अंडे के छिलके सुखा लिए वो, और केले के छिलके इसमें मोटे मोटे, ये देखें केले के छिलके भी आपको नज़र आएंगे, और चाय की पत्ती, ये तीनों बराबर की मकदार में ले लिया। अब एक हफ्ता प्याज का पानी डाले हुए हो गया, अब इस हफ्ते मैं इसमें चाय की पत्ती और अंडे के छिलकों का ये सफ़ूर जो मैंने बनाया है ये डालूंगी इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा सब पौधों में। अब इसके बाद दो हफ्ते बाद फिर इनकी ग्रोथ और बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह सारे पौधों में, मनी प्लांट में भी, मनी प्लांट तो बहुत अच्छी हो जाती है इससे, होम मेड फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छी हो जाती है मनी प्लांट, मोगरा, क्योंकि इसमें चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अंडे के छिलकों में कैल्शियम होता है। तो जिस तरह इंसान को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, इसी तरह हमारे पौधों को भी बढ़ने के लिए इनकी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये होममेड फर्टिलाइज़र बहुत कारामद होती है। अब देखिए केले के छिलके हैं, हम वो खाते हैं, केले के छिलके फेंक देते हैं, लेकिन देखें कहते हैं ना कि नहीं है कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में, वापस केले के छिलके, अंडे के छिलके, चाय की पत्ती जो हम फेंक देते हैं चाय बना के, नहीं बल्कि जमा कर लिया करें आप उन सब चीज़ों को ना। सब में मैंने ये डाल दिए। अब ये कि इस तरह थोड़ा 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 से इनको गोढ़ी, क्योंकि शाम हो जाएगी फिर अब धूप तो आएगी नहीं इन पौधों की तरफ, तो सुबह के वक्त गोढ़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर धूप बहुत चली आती है। इस तरह जो कुछ मैंने चाय की पत्ती और ये कुछ डाला है, तो इससे फिर अब मैं थोड़ा सा इसको मिट्टी को थोड़ा सा मिक्स कर दूँ ताकि ये भी मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें जब पानी डालूँगी तो फिर ये इसके मिक्स हो जाएंगे मिट्टी में, ये सब चीज़ें सॉइल में। कोकोपीट जो काम करती है ना, जो बाज़ार से मिलती है कोकोपीट, तो वो चाय की पत्ती वही काम करती है हमारे पौधों में ना। इस तरह सारे पौधे जो हैं ये सब, इस तरह ये सब मिक्स हो गई इसमें,
थोड़ा थोड़ा सा इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि फिर ये अच्छी तरह इसमें न्यूट्रिशंस हासिल कर सके, मिट्टी में अच्छी तरह से न्यूट्रिशंस हो जाए। जो पत्ती और ये सब जो ऊपर आ गई थी वो पानी से सब नीचे हो जाएगा। एक हफ्ते बाद इनकी ग्रोथ देखिएगा, फिर एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, देखिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और ये होममेड फर्टिलाइज़र यकीनन पौधों के लिए बेहतरीन काम करती है, तो आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।